रतिया नगर पालिका में प्रॉपर्टी डीलरों को प्लॉटों के एनओसी न मिलने पर नगर पालिका सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और नगर पालिका अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रॉपर्टी डीलरों ने नगर पालिका अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी बिना पैसे के एनओसी जारी नहीं करते हैं। वहीं जब इस बारे में नगर पालिका सचिव से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया और कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है और निगम के अनुसार लोगों को एनओसी जारी की जा रही है। सेक्रेटरी रतिया खराब कर रहे हैं, सरकार की बदनामी करा रहे हैं दिन बदल की। बहुत बढ़िया हरियाणा में सरकार काम कर रही है, बहुत बढ़िया ढंग से काम हो रहे हैं, पर रतिया सेक्रेटरी कुछ लोगों के मगर रख के कि सरकार की बदनामी हो, रतिया एमएलए की बदनामी हो और सीएम साहब की बदनामी हो, ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सरकार है पर सेक्रेटरी रतिया खराब कर रहे हैं हमारे। क्या बदनामी किस बात की करवा रहे हैं? बदनामी कह रहे हैं एनओसी निकालते आपके भी ड्यूटी पे जी, जब भी उसको मिलो या मीटिंग में ऐसे कहीं हो रहे हैं जब काम है हमारे को सही ड्यूटी देते जी। काम कर कितने दिन से दिक्कत आ रही है एनओसी को काम से सभी दिक्कत है। दो महीने से हमारे बहुत परेशान आ गया। पैसे की भी डिमांड की जा रही है? कोई परेशान बिल्कुल जब मांगते हैं जी पैसा बिल्कुल मांगते हैं, खराब करते हैं हमारे को। इस बारे में आपने किसी को शिकायत वगैरह भी की है? कोई हम एसडीएम साहब को मिले तो हमारे पास आश्वासन दिया था 5-10 में आपका काम हो जाएगा। मेरी एनओसी थी सर, मैं 20 दिन से मगर फिर रहा हूँ उनके। जेई साहब ने पहले मगर परसों टाइम दिए थे, आपकी पहले 1 घंटा आते हैं बाकी पता नहीं कहाँ आते हैं जी। ठीक है, अब मैंने पहले वो दी, कहता मैं घर जाकर चेक करूंगा पहले। इनका मेन मसला है पैसे दो एनओसी निकालो और कुछ नहीं। कितने दिन से दिक्कत आ रही है? 2 महीने हो गए जी। पूरा हाल इस्लाम से है एनओसी आपकी? मेरी एनओसी कई नाम से है, राकेश के नाम से, गणेश के नाम, हरीश के नाम से, जीवन के नाम से, सोनम के नाम से, कई और नाम से। मेरा इस बारे में ये कहना है कि नगर पालिका द्वारा जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं मेकर पर आता है, मेकर से उनको चेक कर नियमित तौर पर डेली ही किया जा रहा है, कार्य को सुचारू रूप से किया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा ऐसी कर्मचारियों द्वारा या मेरे द्वारा ऐसा कोई डिमांड नहीं की जाती, ना कोई पैसे की कोई डिमांड की गई है अभी किसी भी व्यक्ति से। ये सारे आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं।